हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई में जिस तरीके से बच्चा चोरी की अफवाहों की जो फर्जी मैसेजेस है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसी मैसेज का अब बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। एक मामला हम आपको मुंबई से बता रहे हैं जहां पर एक बच्चे ने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रची। उसका अक्सर जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता था और इसी कारण उसने अपने घर वालों से झूठ बोला कि मैं जो है स्कूल जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने मुझे रिक्शे में जबरन बैठाने की कोशिश करी और ऐसे में तमाम जो बातें उसने रखी तो उसका मोटिव ये था कि उसे स्कूल नहीं जाना था और अक्सर जो है स्कूल में उसको जाने के बाद मन नहीं लगता था, जिसके बाद उसे टीचर मारते और डांटते थे और यही कारण से वो जो है ऐसी झूठी कहानी बना रहा था। हम आपको दिखा रहे कि ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से जो ये बच्चा है इसने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रची। 11 वर्षीय लड़का जो कि मुंबई के घाट के ऊपर इलाके में रहता है, इस बच्चे ने अपने बड़े भाई के मोबाइल फ़ोन पर एक बच्चा चोरी होने का वायरल मैसेज देखा और फिर उसने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी तैयार की और परिवार को बताया कि जब वो आज सुबह स्कूल जा रहा था तब दो लोगों ने उसे चलती रिक्शा में खींच कर उसका अपहरण करने की कोशिश की। उसका मुंह दबाया लेकिन वो बाहर रिक्शे से कूद गया और उन अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच निकलकर किसी न किसी तरह घर पहुंचा। परिवार ने लड़की की बातों को तुरंत सुनकर घाटकोपर पुलिस थाने में पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को ये सारी बातें बताई। लड़के ने अपहरण का जो लोकेशन बताया था, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री संजय धाके सर ने तुरंत टीम का गठन करते हुए लोकेशन पर उस रिक्शा की तलाश करने को कहा जिसमें बच्चे की किडनैप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सीसीटीवी और स्थानीय लोगों द्वारा दी गई जानकारी से पता चला कि ऐसी घटना हुई ही नहीं थी और बच्चा भी बार बार अपने अपहरण की लोकेशन भी अलग अलग बता रहा था और जो लोकेशन वो बता रहा था वहाँ से रास्ता ना उसके घर जा रहा था और ना ही स्कूल, जिसके बाद पुलिस ने उसे विश्वास में लाया और पूछा। उसने तब ये सारी फर्जी कहानी और सारी जो किडनैपिंग की रची हुई जो नाकाम स्टोरी थी उसका पर्दाफाश हो गया। स्कूल ना जाने के डर से ये पूरा ड्रामा उसने रचा था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बच्चा चोरी की अफवाहों पर विश्वास ना करे, अगर कोई खबर इस तरह की आ रही है तुरंत पुलिस से संपर्क करे। इसमें यह हुआ है कि आज सवेरे एक माँ अपने बच्चे को लेकर हमारे पास आई थी पुलिस स्टेशन में। उसने बताया कि उसके बच्चे को किसी ने किडनैप करने का प्रयास किया है। तो जब हमने उसको पूछा तो बच्चे ने बताया, जो 8वीं क्लास में पढ़ता है, 11 साल का बच्चा है, उसने बताया कि 2-3 लोगों ने उसको ऑटो में डाला, उसका मुँह दबाया और उसको किडनैप करने का प्रयास किया। तो जब उसने उनको झटका दिया और वो छूट गया उनके हाथ से, तो उसने जंप ऑटो से बाहर खुद ही मार के, वो जंप मार के जब बाहर आया और वहाँ से भाग गया। तो ये प्रकरण जिसका स्वरूप एकदम गंभीर सीरियस मैटर है, तो हमने हमारे टीम जो है अलग अलग टीम्स ऑफिसर कर्मचारी हमने वो ऑटो ढूंढने के लिए रवाना किए और जब हमने उस बच्चे से डिटेल पूछा, किडनैपर्स के बारे में डिटेल पूछने का बार बार उसके साथ बातचीत की, उसको बार बार पूछा, तो उसने हर बार थोड़ा जो उसका रूट है, जो जहां उसका किडनैपिंग हुआ वो स्पॉट उसने हर बार अलग, दूसरे तीसरे बार अलग अलग बताया। तो हमें उसके वजह से हमें उसका डाउट आया कि ये अलग अलग क्यों स्पॉट बता रहा है, अलग अलग बता रहा है और ऐसा रूट बताया कि जो उसके स्कूल का उसके घर का रूट नहीं है। तो हमने थोड़ा उसको काउंसिलिंग किया, उसको विश्वास में लिया, तो उसको विश्वास में लेके पूछा, तब उसने बताया कि उसको स्कूल पसंद नहीं है, उसको मार्क्स कम मिलते हैं, उसको टीचर गुस्सा करते हैं, तो इस वजह से उसको स्कूल नहीं जाना था। फिर भी माँ बाप उसको स्कूल में भेजते हैं तो उसको अवॉइड करना था स्कूल जाने के लिए, तो उसने ये बनाव बनाया कि मुझे किडनैप किया है वगैरह वगैरह और ऐसा बताया। तब हमने पूछा, फिर वो दफ्तर जो किडनैपर्स दफ्तर लेके भागे थे तो दफ्तर किधर है फिर? तब उसने बताया कि उनका पड़ोसी रहते हैं, वो पड़ोसी चाचा के घर में उसने दफ्तर रखा है। तो हमने टीम भेजा पड़ोसी के घर में, वहाँ पे पूछताछ की, तो उसने बताया कि हाँ मेरे पास में दफ्तर रखा है। तो दफ्तर हमें मिल गया, फिर हमें विश्वास हो गया कि बच्चा जो बात बता रहा था वो पूरी तरह से गलत बता रहा था, पूरी तरह से झूठ बता रहा था। फिर हमने उसको ज़्यादा डिटेल्स में पूछा कि भाई ये आइडिया तुझे कहाँ से मिला, तू ऐसे झूठ क्यों बोला? तो झूठ इसके लिए बोला कि उसको स्कूल नहीं जाना था, उसको पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता है। तो फिर हमने पूछा कि फिर तू ये मतलब ये आइडिया किधर से आया किडनैपिंग का, ऐसा बताने का घर वालों को डराने के लिए? तो उसने बताया कि मेरा बड़ा भाई है, उसके मोबाइल में मैंने
अभी वो जो रिसेंट में अफवाह चल रही है, जो रिसेंट में झूठे नाट वीडियो जो फैल रहे हैं, तो वो देखा, उस देख के मुझे आइडिया आया। तो मेरी जनता से आपके माध्यम से अपील है कि कृपया ऐसे फेक वीडियो फेक मैसेज ना वायरल करें। हमारे माननीय सीपी साहब फणसाड़कर सर, हमारे जॉइंट सीपी सर विश्वास नागरे पाटिल सर, हमारे रीजन सर श्री संजय दराड़े सर और हमारे डीसीपी प्रशांत कदम सर, ये सब बार बार प्रयास करते हैं। हमारे पुलिस स्टेशन की तरफ से भी ये बार बार जनता को अपील की जाती है कि ये सब फेक है, गलत है, आप इस पर विश्वास ना करें। तो फिर अभी आज का ये घटना, इससे ये हुआ कि हमारा पुलिस का जो मैन पावर है जो वेस्ट गया, हम इधर उधर भेजे, रेलवे स्टेशन भेजे सब पूरे ऑटो खंगालने के लिए हमने हमारे ऑफिसर्स भेजे, ये हमारा जो मैन पावर है ये वेस्ट गया। एक बच्चे के दिल पे मन पे परिणाम होने की वजह से ये सब चीज़ें हुई है। तो कृपया मेरी जनता से आपके माध्यम से अपील है कि ये झूठे अफवाह ना फैलाएं। अगर आपको कोई मैसेज आते हैं तो डिलीट कर दीजिए, आप हमारे से कॉन्टैक्ट करके खात्री कर लीजिए कम से कम, ये हमारे जनता से अपील है। धन्यवाद। ते तर मला माहिती नाही, पण तू सकाळी शाळेला 7:10 घरातून निघाल, घरातून निघाला तर जसं जातो आणि त्याचे खाडे पण भरपूर होते, खाडे ते देवी वगैरे आले ना तर त्याच्यामुळे ते खाडे होते त्याचे। तर मग त्याला काल मी मॅडमला भेटून आले, म्हणलं तो असं असं करतो, शाळेला लवकर उठत नाही, तर बोलले तुम्ही उद्या पाठवा त्याला आणि आम्ही त्याला समजवतो। तर म्हटलं ठीक आहे मॅडम, मी सांगते त्याला। तर आज उठला तो बरोबर गेला, दोन हाक त्याला मारले, उठला गेला तो शाळेला, 7:10 होत होते तर तो शाळेला निघाला, शाळेला निघाला। मग थोड्या टायमाने आला मी, तेव्हा जागीच होते, तर एकदम घाबरत घाबरत आला, बोला मम्मी माझं मला ना तोंड दाबलं, मला असं ह्याच्यामध्ये वळून घेतलं, रिक्षामध्ये वळून घेतलं, माझं दप्तर पण राहिलं तिकडं। तर मी घाबरले, म्हटलं असं कसं झालं, म्हणून मी शाळेमध्ये म्हटलं चल तू पहिला, आधी मी सरांच्या कानावर घालते त्यांचं काय निर्णय मी हे करणार, मॅडम संगती बोलले, त्यांच्या संगती बोलले। मग मॅडमनी पण बोलले तू खरं बोलतो खोटं बोलतो, तो तिकडं पण माझ्या डोक्यावर शपथ खातो, बोलते नाही मम्मी असं झालं असं झालं। आणि ते मॅडम पण बोलतात का नाही बाबा तू खरं सांग असं खोटं आहे, तुझी बॅग कुठं आहे, तू शाळेमध्ये येत नाही, तुला शाळेला यायचं नाही। त्यांनी पण लय हे केलं, पण त्यांनी पण हे केलं, पण त्यांचं पण नाही बोललं, बोलतं नाही असं असं झालं मला। तर एक नाही मला नाही माहिती का केलं, नाही मला नाही माहिती। हा ते मोबाईलमध्ये येतात ना व्हिडिओ, हां ते बघितलेलं मोबाईल, तर असं माझ्याकडे मोठा मोबाईल नाही आहे, छोटा मोबाईल आहे, मोठा आहे तर एक मोठा माझा मोठा मुलगा आहे तो घेऊन जातो सांगते, तर रात्री येतो डायरेक्ट। हां मग त्याच्यावर बघितलं आणि असं बाहेर जातो ना, शाळेमधली पूर्ण माहिती आहे, बोलले आपल्या आपल्या मुलांना म्हणजे सोडायला या घ्यायला या तसं माहिती पड सांगतात शाळेमध्ये। आणि बाहेर पण आमच्या एरियामध्ये तसं झालेलं, अरे तर बाथरूममध्ये मुलीला म्हणजे आतमध्ये जाऊन पकडलं, मग आपल्या आता आम्हाला ते माहिती नाही, आम्ही डोळ्यांनी बघितलं नाही, हो आम्ही डोळ्यांनी, हां मग ते प्रकार आमच्या पूर्ण अशोकनगरमध्ये तसं झालेलं आहे। हां आता मला मग जसं मला माहिती पडलं ना, मग आता जसं माहिती पडलं मी तशी इकडे आले, मार्क कमी पडतात। मोबाईल नाही घेत मी, तुला असं कुठून कळालं की असं किडनॅपिंगचं सांगितलं? ग्रुपवाला आलेला मेसेज, आमच्या बाथरूम मध्ये पण झालेलं असं, ग्रुपमध्ये मेसेज आलेला तो बघितला, हो काय नाही। तू कसं सुरुवात कशी केली, कसं वाटलं, काय केलं नेमकं, आता कसा गेला? मी इथून गेलो घरी, मग मी मम्मीला सांगितलं माझ्यासोबत असं असं झालं, मम्मी गेली शाळेत सायनातमध्ये, मग मम्मी बोलली सर बघा हिच्यासोबत असं असं झालं आहे, आता मी काय करू, सरना डायरेक्ट पोलीस चौकीला फोन करू, मग मम्मी आणि मी इथं आलो, मग ते साहेब बोलले थांबा काय काय तर लिहिले, मग आम्ही बसवलं आम्हाला। हो का गेला होता एवढा, कसला राग आला होता? राग नाही आलेला, पळून नाही जायचं। किडनॅपिंग केली तुझं कसं काय, म्हणजे तुला असं कोणी कुठून बघितलं असं किडनॅपिंग वगैरे? हो तुझ्या शाळेच्या ग्रुप, हो शाळेच्या ग्रुपवर ते मेसेज यायचे त्याच्यावर तुला, हो
ऐसी तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरा पर्सन नेहा शेख के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, घाटकोपर।